आज ये बात सुनी, ठीक है, तो मुझे कोई हैरानी नहीं हुई क्योंकि हमारे माशरे में मर्द आजकल यही कर रहे हैं, ठीक है ना। तो बात तो टोटली गलत है, ठीक है, गलत इसलिए क्योंकि बेशक इनको मजहब ने इजाजत दी है। इस मुल्क में हर चीज खराब होती जा रही है। एक इस्लामिक कल्चर है कि चार चार बीवियां, जिसको लीगलाइज चीटिंग कहा जा सकता है। ये तो कई लोग तो गोरे तो छुप के करते हैं ना, काम अफेयर रखते हैं। मोमिन कहता है छुप के करने की क्या जरूरत है, ये लो, ये मेरी बीवी नसरीन है, वो जुलेखा है, वो शबनम है और वो बुख्तारा माई है। लेकिन ये नहीं कि आप एक के बाद दूसरी, फिर दूसरे के बाद तीसरी, ठीक है, करें आप बेशक करें, कोई मजबूरी हो, कोई मसला हो, ठीक है ना, लेकिन ये जो माशरे में ये चीज आम हो रही है ना, ये बहुत गलत है। डिवोर्स जो है ना, ये लफ्ज ही बड़ा जो है ना गलत है, ठीक है। अल्लाह का अर्श हिल जाता है जब डिवोर्स होती है किसी की। तो दूसरी बात ये है कि ये जो हुआ है ना मामला, हाँ, ये दोनों मुल्कों के लिए अच्छी बात नहीं। पाकिस्तानी वजीर आजम मस्जिद जा सकता है, सऊदी बादशाह मक्का मदीना में जा सकता है, तो नरेंद्र मोदी अपनी पर्सनल कैपेसिटी में के अंदर वो हिंदुइज्म को प्रैक्टिस करें, वो क्रिश्चियनिटी को प्रैक्टिस करें, वो इस्लाम को प्रैक्टिस करें, ये तो उनको एक जाती हक है उनका। बहुत सारे पाकिस्तानी लोग इसके खिलाफ भी हुए हैं, बहुत सारे इसको गालियां भी दे रहे हैं, क्योंकि जाहिर बात है कल्चर पाकिस्तान में अभी भी ऐसा ही है। इतना ज्यादा इस्लामी कल्चर नहीं है कि चार चार शादियां रखो। मौलवी इसको पॉपुलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में फिर भी अभी मोनोगमी का एक कल्चर है। इसको मायूब समझा जाता है, इसको बुरा समझा जाता है। इस्लाम में तो चार शादियों की इजाजत है, ठीक है, और हमें शादियां लाजमी एक पे नहीं रहना चाहिए, ज्यादा करनी चाहिए, क्योंकि हमारे अल्लाह के नबी ने भी इसकी तरकीब दी है। अगर वो अपने आप को प्रैक्टिसिंग हिंदू समझते हैं तो दैट इज गुड ऑफ हिम, मतलब उनको रहना चाहिए, जो मर्जी करे वो। शादियां होनी है या नहीं होनी, चार करनी है तीन करनी, यार वो बात की बात है, पहले अपने मुल्क का सोचो, अपने मुल्क का सोचो। अगर अल्लाह ना करे हमारा मुल्क ही ना रहा तो चार बीवियां हम किधर लेके जाए। यहाँ पे ये है कि ये जो चीटिंग का जो केस सामने आ रहा है, और ऑब्वियसली अब तो उसके अंदर सदाकत लग रही है, जिस औरत के साथ आपके अफेयर का इल्जाम था आपने उसी के साथ शादी कर दी। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे माशरे में ये चीज बहुत आम हो गई है, ठीक है, मैंने आज ये बात सुनी, ठीक है, तो मुझे कोई हैरानी नहीं हुई क्योंकि हमारे माशरे में मर्द आजकल यही कर रहे हैं, ठीक है ना। तो बात तो टोटली गलत है, ठीक है, गलत इसलिए क्योंकि बेशक इनको मजहब ने इजाजत दी है, लेकिन ये नहीं कि आप एक के बाद दूसरी, फिर दूसरे के बाद तीसरी, ठीक है, करें आप बेशक करें, कोई मजबूरी हो, कोई मसला हो, ठीक है ना, लेकिन ये जो माशरे में ये चीज आम हो रही है ना, ये बहुत गलत है, ठीक है। और तस्दीक की बात है, ये लोग जो भी कुछ कर रहे हैं ना, तो हमें इनकी तस्दीक की कोई जरूरत है ही नहीं, क्योंकि ये लोग करते हैं ऐसा, ठीक है, और स्पेशली मर्द कर रहे हैं। औरतों में ये परसेंटेज हमारी इतनी नहीं है जितने मर्दों में है, ठीक है, और ना उनको अपने आगे की जो, मतलब इनकी जो जनरेशन है, ना उनकी फिक्र, ना अपने, मतलब ये जो इनको, ये इनकी जो फैमिली है, इनकी वजह से डिस्टर्ब हो जाते हैं, बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये टोटली गलत है, और जाहिर है हमारी नजर में तो ये चीज गलत है, इस्लाम की नजर में भी गलत है और हमारी नजर में भी गलत। अगर हम मर्द हजरात की बात करें तो वो बड़े प्राउडली ये बात कहते हैं कि शरीयत में चार की इजाजत है, लेकिन बात यह कि इस्लाम ने उन चार के लिए भी कुछ शरायत रखी हैं कि सबको बराबरी के हकूक अगर तुम दे सको तब चार करो, जो कि तुम नहीं कर सकते, तुम चारों में अदल नहीं कर सकते, लेकिन मर्द ये बात नहीं सोचता। नहीं, बिल्कुल ही नहीं करते, ठीक है, इजाजत है, लेकिन ये अदल और इंसाफ वाला वो रवैया नहीं इख्तियार कर सकते, क्योंकि ये जो हमारे माशरे में जो हमारे मुसलमान है ना, ये हमेशा आपको एक ही, मतलब अगर एक हदीस है या जो पॉइंट पे ये फोकस करते हैं ना, तो आपको सिर्फ आधा वाला बता देते हैं, और जो यकीन करने वाली बात है, जो प्रैक्टिकल करने वाली बात है ना, उसको छुपा देते हैं, ठीक है ना, यही बात है। तो ये टोटली गलत है, ठीक है, इंसाफ देनी चाहिए, अगर ये दे सकते तो करें, बेशक करें, इक्वलिटी दें इन सबको, लेकिन नहीं करते, और माशरे में ये चीज़ बिल्कुल आम हो रही है और बहुत गलत कर रहे हैं हम, इसके मतलब टोटली इस चीज़ के खिलाफ है। शुएब मलिक ने जो किया, बेशक वो स्टार हैं, जो भी, आपकी नजर में कैसा एक्ट है उनका?
उन्होंने बहुत गलत किया है, ठीक है, उन्हीं लोगों को देख के बाकी लोग भी कर लेते हैं ना, ठीक है। बहुत सारे पाकिस्तानी लोग इसके खिलाफ भी हुए हैं, बहुत सारे इसको गालियां भी दे रहे हैं, क्योंकि जाहिर बात है कल्चर पाकिस्तान में अभी भी ऐसा ही है, इतना ज्यादा इस्लामी कल्चर नहीं है कि चार चार शादियां रखो। मौलवी इसको पॉपुलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में फिर भी अभी मोनोगमी का एक कल्चर है, इसको मायूब समझा जाता है, इसको बुरा समझा जाता है, चीटिंग को भी बुरा समझा जाता है, और एक वक्त में मल्टीपल बीवियों को रखना भी गलत समझा जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जहां तक इस मुल्क में हर चीज खराब होती जा रही है, एक इस्लामिक कल्चर है कि चार चार बीवियां, जिसको लीगलाइज चीटिंग कहा जा सकता है। ये तो कई लोग तो गोरे तो छुप के करते हैं ना काम, अफेयर रखते हैं। मोमिन कहता है छुप के करने की क्या जरूरत है, ये लो ये मेरी बीवी नसरीन है, वो जुलेखा है, वो शबनम है, और वो बुख्तारा माई है। तो वो खुल के करते हैं, इस्लाम ने कहा खुल के एंजॉय करो, नो प्रॉब्लम, सेक्स लाइव अलहदा से, लोंडिया अलहदा से। लेकिन फिर भी जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि शायद इंडिया से हिंदुओं के साथ रहने में बड़ा अरसा रहा, इस वजह से मोनोगमी को अच्छा समझा जाता है, तो इस वजह से बड़े शुएब मलिक को गलत कहा जा रहा है। मैं शुएब मलिक को एक यहाँ पे डिस्काउंट दूंगा, ये भी हमारे कल्चर की एक बुरी बात है कि निभाओ शादी भी मरते दम तक, टिल डेथ डू अस पार्ट, हर कल्चर में तकरीबन इसको प्रमोट किया गया था। लेकिन आजकल के जमाने में जब हम खुश रहना चाहते हैं, और इसमें कोई गलत बात नहीं है, थोड़ी सी सेक्रीफाइस भी करनी चाहिए, लेकिन खुश रहने की हम कोशिश करते हैं, तो लोग अलहदा हो जाते हैं, जो मॉडर्न मुआशरे वहां पे लोग अलहदा हो जाते हैं, और हो भी जाना चाहिए। तो अगर ये खुश नहीं थे, तो हमें शुएब मलिक को इस बात पे यू नो उसको बेचारे को सूली पे नहीं चढ़ा देना चाहिए कि वो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने एक औरत को तलाक दे के दूसरी शादी कर ली। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि ये जो चीटिंग का जो केस सामने आ रहा है, और ऑब्वियसली अब तो उसके अंदर सदाकत लग रही है, जिस औरत के साथ आपके अफेयर का इल्जाम था आपने उसी के साथ शादी कर दिया, सो दैट इज नॉट ऑनेस्ट, और ये वो डिसऑनेस्टी वाली बात है। लेकिन इसलिए मैं यहाँ पे इनको इस बात पे क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, जिस तरह बहुत सारे पाकिस्तानी कह रहे हैं कि तूने शादी निभाई नहीं और ये वो फलाना टिंगना, वो बात नहीं है। शादी आपको अगर नहीं चलती तो कोई बात नहीं, अलहदा हो जाना चाहिए, लेकिन आपको ये चीटिंग जो है इसको कहीं पे भी अच्छा नहीं समझा जाता, इसको ना मगरिब में अच्छा समझा जाता है, और किसी भी ऐसे कल्चर में अच्छा नहीं समझा। हमारा मीडिया कसूरवार नहीं है, आपको क्या लगता है इसमें? इसमें मीडिया का भी हाथ है, क्योंकि चंद जो है मीडिया वाले वो चंद नहीं, मैं कहूंगा सारे ही शायद आलमो चंद हैं, सबको नहीं कहना चाहिए। अच्छा। वो पैसे लेते हैं, और जनाब इससे पहले देख रहे हैं, जब खान साहब की गवर्नमेंट थी तो तब सारे जनाब उठा के जनाब माइक गए हुए थे, जनाब क्या महंगाई हो गई है, क्या हो गई है, ये वो उधर, समझ रहे हैं ना। और अब जब ये आए हैं, अब ये जो जब इनकी भाई बढ़ रही है या कम हो रही है? बढ़ रही है, बढ़ रही है। शादीशुदा है जी? सबसे जब से शहबाज शरीफ आया इसने क्या किया? शादीशुदा है आप जी? छोड़े इस बात को, शादीशुदा को आ दे, सुने कोई मसला नहीं है, ठीक है, शादीशुदा है। तो क्या घर का खर्चे चल रहे हैं जो आप कमाते? बिल्कुल नहीं चल, पूछना नहीं चल रहे, कैसे चल रहे? जब जी शहबाज शरीफ ने नारा लगाया थे महंगाई मारे, महंगाई खत्म करो, महंगाई खत्म, ये चंगा महंगाई खत्म की है भाईजान, आप थोड़े एजुकेटेड लगे। अब कह रहे हैं मेरा मेरा जो है भाई नवाज शरीफ वो महंगाई है, बन के ये देखें हम आज 2024 में यहाँ शहर में खड़े होके ये कह रहे हैं कि महंगाई ज्यादा है, ये कह रहे हैं कि हमारा लीडर नहीं अच्छा, हमारा वो नहीं अच्छा, ये नहीं अच्छा। दुनिया की बात करें वो कहाँ चली गई? अभी नेबर कंट्री की बात करें, इंडिया की बात करें, उनके बारे में क्या कहना चाहिए? मैं आपको बताता हूँ, हमारी जो है ना हमारे अदारे जो है वो बदकिस्मती से जो है ना हमारे जिनका हमारे मुल्क के ऊपर कब्जा है, ठीक है ना, हमारी आर्मी के जो चांदू पावर लोग माफिया बैठा, ठीक है ना, मैं इसको माफिया का नाम देता हूँ, पता नहीं अब ये मेरी बात चलाएंगे या नहीं चलाएंगे, लेकिन लेकिन मैं अब चलानी पड़ेगी। हाँ, लेकिन मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि यार हमारा जो कलमा है ना उसने बताया है कि यार अल्लाह के अलावा कोई मबूद नहीं है, किसी के सामने